Very good evening, everyone. Hope you all are fine and healthy and doing good. Health-wise, study-wise, I hope everything is fine with all of you. तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे काफी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है. अब ये चैप्टर आपके बोर्ड में है नहीं है, कुछ पार्ट्स हटा दिए गए, वट एवर, लेकिन हम उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है इवोल्यूशन. आज कुछ बच्चे नए ऐड हुए हैं इसमें, कुछ क्षेत्र के भी बच्चे ऐड हुए हैं इस ग्रुप में क्लास के लिए, तो उनका भी इवोल्यूशन मेरे ख्याल से चल रहा था जैसा मुझे पता चला, और उनका भी शायद ओरिजिन ऑफ लाइफ हो चुका था, और वो शायद मेरे ख्याल से थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, लेमार्किज्म पढ़ लिया था उन्होंने शायद, जैसा मुझे पता चला. तो देखो, जो कुरुक्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए ये एक सजेशन है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ आप पहले पढ़ चुके हो, पूरा इवोल्यूशन का जो बेसिक्स है पार्ट वन पार्ट टू कॉस्मिक इवोल्यूशन है ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ का, केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ क्या है, यूडेमिलर एक्सपेरिमेंट क्या है, इन सब का वीडियो मैंने आज भी आपके ग्रुप पे शेयर किया है और काफी डिटेल से सारा कुछ उसमें मेंशन किया गया है. तो जो बच्चे उस पार्ट को नहीं देख पाए हैं वो देख लीजिएगा, और जो लास्ट वीडियो लेक्चर था जो जेनेसिस का जो रिकॉर्डिंग है वो भी मैं शेयर कर दूंगा. तो जिसमें मैंने लास्ट वीडियो लास्ट लेक्चर में मैं बता दूं आपको, मैंने स्टार्ट किया था एविडेंस से. मैंने पहले भी कहा था कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के दो पार्ट्स हैं, एविडेंस एंड थ्योरी. जैसे कि एनसीईआरटी में पहले थ्योरी बाद में बताया गया है, पहले उसने एविडेंस मेंशन किया कि इवोल्यूशन अगर हुआ है, डार्विन ने कहा कि सिलेक्शन होता है, ब्रांचिंग डिसेंट होता है, ग्रेजुअल सिंथेसिस है, ग्रेजुअल चेंज है आपके पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक में, तो इन सब का हमारे पास क्या एविडेंस है. एंड ड्यूरिंग टू एक्सप्लेन दैट एविडेंस पार्ट, आई हैव स्टार्टेड विथ यू नो कॉम्पिटेटिव एनाटॉमी से, मॉर्फोलॉजी से. तो मैंने कुछ डिस्कस किया था होमोलोगस ऑर्गन के बारे में, आई एम राइट. हमने लास्ट क्लास में एविडेंस का जो फर्स्ट एक देखो मैंने क्या बताया था आपको. हाँ जी, तो जो बच्चे कुरुक्षेत्र के जेनेसिस से हैं, जो पहले पढ़ चुके हैं, उनको केवल लेमार्किज्म अभी तक पढ़ा है उन्होंने, तो कोई बात नहीं. मैं एविडेंस स्टार्ट कर रहा हूं, और एविडेंस में भी ज्यादा मैंने बताया नहीं था, केवल हमने डिस्कस किया था होमोलोगस ऑर्गन के बारे में लास्ट क्लास में. बियॉन्ड द थ्योरी ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ का पार्ट कंप्लीट किया था और होमोलोगस ऑर्गन हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना. तो मैंने बताया था आपको कि जो एविडेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो है मॉर्फोलॉजी, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड कंपेरेटिव एनाटॉमी कहते हैं, कि आप एनिमल के मॉर्फोलॉजी पे और उसके कंपेरेटिव एनाटॉमी को स्टडी करके कैसे आप एविडेंस विड्रॉ कर सकते हैं कि कोई भी चीज एक दूसरे से लिंक है. डार्विन ने यही कहा था ना कि कोई भी चीज इंडिपेंडेंटली फॉर्म नहीं हुआ, जो आज देख रहे हैं आप, उसका एक एंसेस्ट्री है, ब्रांचिंग डिसेंट है, मतलब कॉन्टिन्यूसली आपके पॉपुलेशन में कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक ऐड होते रहे हैं वेरिएशंस के फॉर्म में, और उस वेरिएशंस की वजह से आपके पॉपुलेशन का जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो भी चेंज होता रहा, ब्रांचिंग डिसेंट से कहा जाता है. तो उसके फेवर में डार्विन ने कई सारे एविडेंस बताए, और उसमें देखो अगर मैं कहूं कि एक एविडेंस ये भी है, एविडेंस बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी एंड कंपेरेटिव एनाटॉमी, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है देखो ए, इसे कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन,
और होमोलोगस ऑर्गन के बारे में जो भी डिटेल इंफॉर्मेशन था, इसके क्या क्या एग्जांपल्स थे, मैंने इसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों ने ये नहीं देखा है लास्ट क्लास का वीडियो, वो मैं मेरे ख्याल से जेनेसिस के इस पे भी अपलोड हो गया है, तो आप उससे उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब मैं बता रहा हूं इसी का जो दूसरा पार्ट है, इसी मॉर्फोलॉजी वाले पार्ट का जो दूसरा पार्ट है, देखो बी, इसे कहते हैं एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में होमोलोगस ऑर्गन डिस्कस किया था। अब मैं बता रहा हूं आपको कि एनालोगस ऑर्गन क्या होता है। तो देखो, बहुत बेसिक लेवल पे अगर आप 10th क्लास का इंफॉर्मेशन आपको याद हो कि ऐसे स्ट्रक्चर जो मॉर्फोलॉजिकली बाहर से थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी है उसमें, उसके ओरिजिन का कोई सिमिलैरिटी नहीं है, लेकिन उनके फंक्शंस एक जैसे हैं। कहने का मतलब देखो ये क्या होता है, देखिए अगर देखा जाए ऐसे, ये मान लो इसे कहते हैं ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन बट मे हैव सुपरफिशियल सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी। तो ओरिजिन अलग अलग है, देखो समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, ओरिजिन अलग है, एनाटॉमी भी पूरा अलग है, बट उसका मॉर्फोलॉजी मतलब सुपरफिशियल सिमिलैरिटी उसके मॉर्फोलॉजी में हो सकता है ऐसे ऑर्गन्स का। और इन सब का जो देखो अगर देखा जाए तो ऐसा लिखा हुआ है सिमिलर फंक्शन, एक जैसा ये अगर फंक्शन कर रहा हो, इसके टास्क एक जैसे हैं, तो ये फंक्शनल कन्वर्जेंस है। देखो ये क्या होता है, इसको फंक्शनल कन्वर्जेंस भी कहते हैं। फंक्शंस एक जैसे हो गए लेकिन का ओरिजिन पूरी तरह से क्या होता है, डिफरेंट है। तो ये है एनालॉगस ऑर्गन, ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन बट मे हैव सुपरफिशियल सिमिलैरिटी इन मॉर्फोलॉजी बट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन एंड सच काइंड ऑफ दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन। जैसे मान लो ऑर्गन वन है, ऑर्गन टू है, ऑर्गन थ्री है, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म का ये ऑर्गन है जो देखने में बाहर से हो सकता है एक जैसा लगे आपको, बट इसका ओरिजिन पूरी तरह से अलग अलग है, इसका डेवलपमेंटल पैटर्न अलग अलग है, मतलब जो इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो पूरी तरह से डिफरेंट है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप बिल्कुल दो लाइन का अगर डेफिनेशन लिखना चाहें इसका, एक डेफिनेशन और लिख लीजिए इसका, राइट डाउन, देखो ऑर्गन्स दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन, ऑर्गन्स दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन इन डिफरेंट ग्रुप, ऑर्गन्स दैट परफॉर्म द सेम फंक्शन इन डिफरेंट ग्रुप बट डू नॉट शेयर but do not share a similarity do not share a similarity of anatomical structure but do not share organs that perform the same function in different group but do not share a similarity
अ सिमिलैरिटी इन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन आर कॉल्ड एनालोगस ऑर्गन। समझ में आ गया, लिख लिया आप लोगों ने? तो देखो, अब मैं अगर मैं अब इसके एग्जाम्पल के बारे में बताऊं आपको, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे आपके बुक में जो एग्जाम्पल बताया गया है। अच्छा बताओ, विंग्स जो होता है, विंग, विंग, ये विंग कहाँ कहाँ मिलता है बताओ? तो अगर मैं इसमें विंग्स की को ही डिस्कस कर दूं अगर, तो विंग्स कहाँ कहाँ होता है बताओ? ये इंसेक्ट में होता है, ये बर्ड्स में होता है, और ये बैट में होता है। तो इंसेक्ट का, बर्ड्स का और बैट का अगर आप विंग्स कंपेयर कर रहे हैं, तो ये काम तो एक ही है ना, देखने में तो ये ऊपर ऊपर से एक जैसा लगता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिफरेंट होता है ना। तो विंग्स ऑफ इंसेक्ट, बर्ड्स एंड बैट आर द एग्जांपल ऑफ एनालोगस ऑर्गन। इवन यू आर कंपेयरिंग, सिंपली अगर कोई कहते कि बर्ड्स का और बैट का विंग बताओ, ये क्या है बताओ, तब जानते हैं कि बैट का जो विंग्स होता है ये बोन से सपोर्टेड होता है, बोन्स का जो पार्ट है वो सपोर्ट करता है बैट के विंग को। और आप जानते हैं कि बैट के विंग को कहते क्या होता है, पैटेजियम कहते हैं। और एक चीज पता है आपको कि बर्ड्स का जो विंग्स होता है ये फेदर्ड विंग्स होता है, फेदर्ड विंग्स कहते हैं। और याद रखिएगा कि फेदर्ड विंग्स और कहीं नहीं मिलता। और याद रखिएगा, बर्ड्स का जो देखा जाए, वैसे कार्पो मेटाकार्पल बोन्स जो होते हैं ये सपोर्ट करता है बर्ड्स के विंग को भी, लेकिन जो जिस तरह का बैट का स्ट्रक्चर है विंग्स का, वो पूरी तरह से डिफरेंट है। काम तो एक ही है ना, फ्लाइंग करने का। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बताओ? अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि ऐसे ऑर्गन डेवलप क्यों हो गए, उनके फंक्शन एक जैसे क्यों हो गए? जैसे मैंने कहा था होमोलोगस ऑर्गन में कि अगर आपके रिलेटेड एनिमल्स के ऑर्गन्स हैं, रिलेटेड एनिमल्स के कुछ सेलेक्टिव ऑर्गन्स हैं, और वो अलग अलग कंडीशंस में अडेप्ट कर रहे हैं, अगर उसका अडेप्टेशंस डिफरेंट है अलग अलग कंडीशंस में, तो एक ही तरह के ऑर्गन को डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या हो गया था होमोलोगस, यहां उल्टा है इसका, कि अगर डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स को, if different group of animals are facing similar adaptive conditions, तो organs में क्या develop हो जाएगा? Analogy. Insect का wing structure, insect में wing नहीं होता क्या? उसमें कोई bones थोड़ी होता है? अरे वो तो पूरी तरह से different है, है ना? तो मैंने क्या बताया देखो, कि why there is the development of analogous organ? लिख लो, इस पॉइंट ऐड कर लीजिए आप, डेवलपमेंट ऑफ, लिखो डेवलपमेंट ऑफ एनालोगस ऑर्गन, डेवलपमेंट ऑफ, लिखो डेवलपमेंट ऑफ एनालॉजी, डेवलपमेंट ऑफ एनालॉजी, डेवलपमेंट ऑफ एनालॉजी बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप, organs of different group is due to क्या बताओ, is due to similar adaptive condition, is due to similar adaptive condition। समझ में आ रहा है? तो अलग अलग तरह के एनिमल्स को अगर एक ही तरह के कंडीशंस में अपने आप को अडेप्ट करना हो, तो
तो काफी सारे ऑर्गन्स का जो फंक्शन है वो क्या होगा बताओ, एक जैसा हो जाएगा। सिमिलरली अगर देखें आप तो जानते हैं वेल एक मैमल है, वेल एक मैमल है और सार्क एक मछली है, लेकिन आप जानते हो कि जो मैमल्स पहले इवॉल्व हुआ था, मैमिलिया तो इवॉल्व हुआ था टेरेस्ट्रियल कंडीशन में, मैमल्स वेयर इवॉल्व इन टेरेस्ट्रियल कंडीशन, बट बिकॉज ऑफ सर्टन यू नो द कंडीशंस, बिकॉज ऑफ सीवियर कंपटीशन, फ्यू मैमल्स एंटर्स इन वॉटर बॉडी, और उसी में कहते हैं वेल वगैरह का ओरिजिन है। तो वेल डॉल्फिन आप जानते हैं इनके जो फिन्स होते हैं जिसको फ्लिपर भी कहा जाता है, और जो सार्क का फिन होता है, सार्क एक मछली है जो पानी में ही रहती है, वेल का जो पानी में आना हुआ वो उसका एक सेकेंडरी एडेप्टेशन है। तो मैं क्या बोल रहा हूं देखो, तो फ्लिपर ऑफ वेल, देखिए फ्लिपर ऑफ वेल एंड फिन्स ऑफ सार्क, ये भी क्या है बताओ, ये भी क्या हो गया एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस, सॉरी एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस ऑर्गन। अरे फ्लिपर का मतलब क्या होता है, फ्लिपर कहते हैं फिन्स को, मतलब क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास हाथ है वैसे वहां फ्लिपर होता है, फ्लिपर वर्ड है। लिम्स को कहते हैं, वेल के फोर लिम को फ्लिपर कहा जाता है, समझ में आ गया। तो ये एग्जांपल हो गया देखो, तो एक एग्जांपल ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ये हो गया, जो थर्ड एग्जांपल है वो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जैसे अगर आप देखें तो पेंगुइन है, पेंगुइन एक्वेटिक एनिमल है और डॉल्फिन भी एक्वेटिक एनिमल है। तो अगर आप कंपेयर करोगे, अब देखो अगर आप कंपेयर कर रहे हैं आप फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन और इवन जो फ्लिपर ऑफ पेंगुइन होता है तो वही है। देखो पेंगुइन में भी फ्लिपर होता है और ये फ्लिपर आप कहां कह रहे हैं बताओ, ये डॉल्फिन में भी कह रहे हैं, दोनों का काम तो स्विमिंग करना ही है एक्चुअली। तो फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एज वेल एज द फ्लिपर ऑफ पेंगुइन, ये भी क्या बताओ एग्जांपल ऑफ एनालोगस ऑर्गन है, तो ये भी लिख लीजिए आप। देखो जो पेंगुइन है और जो डॉल्फिन है, पेंगुइन वर्ल्ड में आता है और डॉल्फिन मैमल्स में आता है, ये भी एग्जांपल क्या हो गया बताओ एनालोगस ऑर्गन का, फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड फ्लिपर ऑफ क्या पेंगुइन, स्विमिंग में आता है ये, पता आपको। तो ये भी एग्जांपल देखो। इसके बाद देखिए एक और एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है कि जो पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो कहते हैं, लिख लो पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, आलू और मीठा आलू, एक रूट है एक स्टेम है, पता आपको पोटैटो एक स्टेम है और स्वीट पोटैटो एक रूट है, पर दोनों के फंक्शंस क्या है बताओ। हाँ जी बिल्कुल, दोनों के फंक्शंस क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, जो फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट, तो फूड का स्टोरेज आलू में भी होता है मीठा आलू में भी होता है, पर एक रूट है एक स्टेम है, तो रूट मैंने क्या कहा पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, ये भी एग्जांपल किसका बताओ एनालोगस ऑर्गन का, ये एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है तो याद रखिएगा इसको। और देखो काफी सारे एग्जांपल आप बता सकते हैं एनालोगस ऑर्गन का, बहुत इसका कोई लिमिट ही नहीं है बेसिकली अगर देखा जाए, वट एवर यू वॉन्ट टू कंपेयर, जैसे कहते हैं आई से बात करें, आंख जिसको आप प्रॉपर आई कहते हैं और उसके फंक्शंस काफी हद तक जैसे होते हैं इनफैक्ट, तो ये बताओ आई जैसा स्ट्रक्चर अगर पूरे किंगडम में देखा जाए, पूरे एनिमल किंगडम में देखा जाए, तो ये तीन जगह है, कहां कहां बताओ, वी ए एम, आई एडजस्ट इन ऑल, इफ यू टॉक अबाउट
entire animal kingdom, I exist only in three groups. V for vertebrates, A for arthropoda, and M for mollusca. आप देखिए ऑक्टोपस में, स्क्विड में कितने कितने डेवलप्ड आईज होते हैं उसके, और फंक्शंस काफी हद तक आपके आंख के जैसा ही होता है उसका। तो कहने का मतलब आई जैसा स्ट्रक्चर पूरे एनिमल वर्ल्ड में, आई जैसा स्ट्रक्चर पूरे एनिमल वर्ल्ड में तीन जगह है। यस, पूरे किंगडम में सबसे बड़ा आई तो स्क्विड में होता है। स्क्विड इज द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट, एक्वेटिक इनवर्टिब्रेट भी कहते हैं उसको, लोलिगो जिसे कहते हैं, लोलिगो है ना, स्क्विड। तो वर्टिब्रेट में है, आर्थ्रोपोडा में है, मोलस्का में है, सबका फंक्शन एक जैसा है, लेकिन तीनों का अगर देखें लीनियज, तीनों का जो ओरिजिन है, डेवलपमेंट है, वो पूरी तरह से बताओ डिफरेंट है। ठीक, ये भी किस एग्जांपल हो गया बताओ, एनालोगस ऑर्गन का, समझ में आ रहा है। इसके बाद देखिए, तो देखो जैसे ये कहा जाता है कि whatever you want to compare, if you want to compare your legs with the pseudopodia of amoeba, काम तो एक ही है चलने का, लेकिन क्या अमीबा से आपको कोई रिलेशन है, क्या कोई ancestry है अमीबा से क्या आपका? नहीं। अगर आप देखने की बात करें तो वर्टिब्रेट का आंख आपका, मतलब आपका आई, आर्थ्रोपोडा का आई, मोलस्का का आई, काम एक ही कर रहा है, बट इन तीनों के बीच में कोई ancestry तो नहीं है। यहां तक ये कहा गया कि वर्टिब्रेट जो इवॉल्व हुआ है वो एक काइनोडर्म जैसे एनिमल से इवॉल्व हुआ, मोलस्का तो कोई है ही नहीं वहां पर, बट आंख तो है वहां पर तीनों जगह पर। तो कहने का मतलब ये है कि होमोलोगस ऑर्गन से काफी हद तक आपको अपने एंसेस्ट्री का पता चलता है कि आप कैसे लिंक्ड हैं एक दूसरे एनिमल से, बट एनालोगस ऑर्गन से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यू नो विड्रॉ और मेक एनी काइंड ऑफ इवोल्यूशनरी ट्री। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते, आपके पास कोई प्रूफ नहीं मिलेगा कि आप कॉकरोच से कैसे लिंक्ड हैं। कॉकरोच के पास भी लेग होता है, ज्यादा ही होता है, थ्री पेयर्स लेग्स दे हैव एंड वी हैव ओनली वन पेयर। काम तो चलने का ही, वो भी चल रहा, अभी चल रहा। तो क्या आपके एंसेस्टर्स में कॉकरोच थे? क्या आपके फोर रनर कॉकरोच थे कि कॉकरोच से आदमी इवॉल्व हो गया? ऐसा तो नहीं कह सकते ना। हाँ जी बच्चे, कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो इसका मतलब ये है कि एनालोगस ऑर्गन, चलो ठीक है, एक आप देखो ये मे भी कह रहा है, अरे कैसे हो जाएगा कॉकरोच से तुम्हारा लिंक, ये बहुत ज्यादा हाइपोथेटिकल हो जाएगा। फिर तो हम कहेंगे कि दुनिया एक है, हम सभी एक हैं। अगर वैसे देखोगे आप कि एक सेल इवॉल्व हुआ पहले और उसी सेल से सब कुछ तैयार हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे जोड़ तो सकते हैं, बट अगर आप एक ट्री बनाना हो कि फ्रॉम वेयर वी इवॉल्व, We never discuss about cockroach in your ancestry. तो practically आपको देखना पड़ेगा, हम hypothetical world में नहीं जाएंगे कि हम सभी एक हैं, जीव सभी एक हैं, जो 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 लाइफ आपके अंदर है वही लाइफ बैक्टीरिया में भी है, वही लाइफ कॉकरोच में भी है, वही लाइफ इंसेक्ट में भी है। अगर इस तरह से देखेंगे आप, तो फिर आप स्पेशल क्रिएशन की तरफ चले जाइए, फिर आप इवोल्यूशन मत पढ़ो फिर, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकली पार्ट से हटके हमें प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि वी आर नॉट लिंक टू कॉकरोच, एंड दैट्स व्हाई सेवरल टाइम दैट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर एग्जाम कि एनालोगस ऑर्गन, ऑल्दो वी कैन गेट सम काइंड ऑफ इवोल्यूशनरी एविडेंस, बट वी कैन नॉट कंसिडर एनालोगस ऑर्गन एज ए कॉन्क्रीट प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन। तो इस पॉइंट पर लिख लीजिएगा, लिख लो, ऑल्दो एनालोगस ऑर्गन, देखिए ऑल्दो एनालोगस ऑर्गन प्रोवाइड्स सम काइंड ऑफ इवोल्यूशनरी relation, some kind of evolutionary relation, but it cannot be a concrete evidence of evolution
इट कैन नॉट बी अ कॉन्क्रीट और सॉलिड एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन लाइक होमोलोगस ऑर्गन. Like homologous organ. हाँ जी बच्चे समझ में आ गया. तो ये है आपका क्या बताओ, that is called analogous organ. ठीक है. और अब देखो इसमें जो next part है actually. अब मैं देखो A ये हो गया, B ये हो गया. एनाटॉमी के बेस पे ही हम एक और चीज डिस्कस करते हैं और इसे कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन. सी क्या लिखा हमने, कौन सा स्टेटमेंट समझा दो फिर से एक बार. अरे मैंने ये कहा कि एनालॉगस ऑर्गन से कुछ हद तक आपको इवोल्यूशन का कुछ कुछ एविडेंस मिलेगा. ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि वेल और अगर आप पेंगुइन को कंपेयर कर रहे हैं, डॉल्फिन को और पेंगुइन को कंपेयर कर रहे हैं, तो उसको एक जैसा अपना एडेप्टेशन डेवलप करना था, तो दोनों में फ्लिपर डेवलप हो गया. तो कुछ हद तक आप कह सकते हैं एडेप्टिव कंडीशन की वजह से ये एक जैसा हो गया. बट आपसे कोई पूछ दे कि कॉकरोच के पास पैर है, लेग है और आपके पास भी लेग है, तो क्या आप एक दूसरे से लिंक्ड हैं क्या? नहीं कह सकते आप. हाँ, अगर मैं कहूं कि डॉल्फिन और पेंगुइन में कुछ हद तक सिमिलरिटी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों वर्टिब्रेट्स हैं, दोनों टेट्रापोडा में आते हैं, दोनों होम्योथर्म है एक्चुअली, तो कुछ हद तक सिमिलरिटी तो है. बट क्या ये हर जगह अप्लाई कर देंगे आप? ऐसा नहीं है. वी कैनॉट कंपेयर योर लेग विद द सीडोपोडिया ऑफ अमीबा. क्या अमीबा सीडोपोडिया से चलता है और हम भी पैर से चलते हैं? तो अमीबा हमारे एंसेस्टर थे, वी डेवलप फ्रॉम अमीबा. हु वाज योर फोर फादर? अमीबा. कह सकते हैं क्या? नहीं, अमीबा आपके फोर फादर नहीं थे. ठीक है, दैट्स वाई आई टोल्ड यू कि हम हर चीज को एनालॉगस ऑर्गन में कंपेयर नहीं कर सकते. ठीक है. अब नाउ सी व्हाट इज वेस्टिजियल ऑर्गन, ये क्या होता है. तो देखो आपके आपके एंसेस्ट्री में कुछ ऐसे ऑर्गन्स थे जिसका फंक्शन या तो पूरी तरह से लॉस्ट हो गया या कुछ हद तक उसका कुछ फंक्शन लॉस्ट हो चुका है, लेकिन हमारे बॉडी में वो ऑर्गन है. लेकिन आप जानते हैं ये आपके बॉडी में ये ऑर्गन तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसका फंक्शन हमारे बॉडी में नहीं है. एंड दैट काइंड ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन. तो इसका डेफिनेशन पे लिख लो आप क्या होता है. लिखिए व्हाट इज दैट. देखो स्ट्रक्चर दैट सीम टू हैव structures that seem to have lost some or all of their ancestral function because an organism adapting to a new environment.
ऑर्गेनिज्म एडेप्टिंग अ न्यू एनवायरनमेंट यूजुअली कैरीज along some previously evolved structure that are no longer necessary. देखो ये बहुत ज्यादा टिपिकल एक डेफिनेशन है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपके बॉडी में आ तो गया लेकिन उसका कोई यूज नहीं था एज पर द चेंजिंग एनवायरमेंट. अगर आपका एडेप्टिव कंडीशन चेंज कर रहा है तो जो ऑर्गन आपके एंसेस्टर में फंक्शनल था लेकिन वो आपके लिए सिद्ध हो गया केवल उसका कोई यूज नहीं है. तो जो अब ये भी बात याद रखिएगा कि जो ऑर्गन आप में है वो हमेशा ऐसा ही रहेगा. आप ऐसा नहीं कह सकते हर ऑर्गन अपने एक लिमिट तक जाने के बाद जो एब्सोल्यूट स्ट्रक्चर नहीं है कुछ भी जो स्ट्रक्चर आप में वो चेंज कर रहा है. और ऐसा भी हो सकता है कि जनरेशन बाय जनरेशन हो सकता है कि एडेप्टिव कंडीशन चेंज करें और वो ऑर्गन धीरे धीरे क्या बताओ रुडिमेंट्री हो गया या वेस्टिजियल हो गया. समझ में आ रहा है? तो अगर कोई ऑर्गन आपके एंसेस्टर में फंक्शनल था और वो ऑर्गन आपके समय यूज में नहीं आ रहा है और कई जनरेशन तक वो यूज में नहीं आया तो वो ऑर्गन धीरे धीरे क्या होगा रुडिमेंट्री हो जाएगा. और ऐसे ऑर्गन को क्या बोलते हैं बताओ वेस्टिजियल ऑर्गन कहा जाता है. समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही बात है. और देखो एक चीज बता दू मैं आपको इसलिए कहते हैं कि और कौन सा ऑर्गन आपके बॉडी में यूज होगा ये डिसाइड आप नहीं करेंगे. इट्स ऑल अबाउट द नेचुरल सिलेक्शन एंड द एडेप्टिव कंडीशंस. ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा दिमाग को यूज कर रहे हैं तो आपका दिमाग अगले जनरेशन इतना बड़ा हो जाएगा. दिमाग का यूज करना ये कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है. सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है ये डिसाइड करता है कि आपका ब्रीडिंग मेथड रिप्रोडक्शन और फीडिंग कैसे इंप्रूव होना चाहिए. नेचर को इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं आप कितने आपका इंटेलिजेंस क्वेशेंट क्या है. नो तो एडेप्टेशंस कहा जाता है ये एक बहुत ज्यादा लिमिटेड वर्ड एक्चुअली है. रिप्रोडक्टिव सक्सेस एंड फीडिंग कैपेसिटी जिसका ज्यादा अच्छा है वो ज्यादा एडेप्टेड कहा जाता है. अभी रुक जाओ मैं एग्जांपल पे आ रहा हूँ क्यों अभी इतने ज्यादा उतावले हो रहे हो. तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं है ना. तो देखो तो पहली बात तो मैंने बता दिया कि क्या होता है वेस्टिजियल ऑर्गन. समझ में आ गया कि जो था अब नहीं है जो है वो रहेगा ये भी नहीं है. वाह कितना बढ़िया देखो हो गया. जो था वो अब नहीं है और जो अभी है वो आगे भी रहेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है और यही है वेस्टिजियल ऑर्गन. समझ में आ गया ना. जो पहले था फंक्शनल अब वो फंक्शनल नहीं है और जो आप में फंक्शनल है कल वो भी फंक्शनल रहेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है. एंड दैट काइंड ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन. अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि डार्विन ने क्या कहा. देखो कितना डार्विन एक बहुत बड़ा मतलब बहुत कम रिसोर्स को यूज करते हुए जो बातें उसने कह दी इट वॉज रिमार्केबल. उसने क्या कहा कि जो एनिमल ऐसे ऑर्गन को या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गन को अगर अपने बॉडी में मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है. देखो दो तरह के एनिमल्स हैं. एक एनिमल वो है जिसे समझ में आ गया कि ये ऑर्गन वेस्टिजियल है तो इसको मेंटेन करना जरूरी नहीं है उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा हो
तो दे आर यूजिंग वेरी लेस एनर्जी टू मेंटेन दैट काइंड ऑफ ऑर्गन, और जो एनिमल उस ऑर्गन को भी ज्यादा तरजीह दे रहा है, जिसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, ऐसे एनिमल्स का जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस है वो क्या होगा, कमजोर हो जाएगा। मतलब आपको मैं क्या बोल, समझ में आ रहा है सिलेक्शन क्या कहता है? तो मैं एक आपको एक लाइन बताता हूं, इसको आप ऐड कर लीजिए। देख लो, according to the rule of natural selection, बिल्कुल सही बात है, अभी मैं उसी पे आ रहा हूं। मानस उपाध्याय, यू आस्क वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम कमिंग ऑन दैट। पहले आप लिख लो इसको, अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन, अकॉर्डिंग टू नेचुरल सिलेक्शन, इंडिविजुअल्स दैट डिवोट मतलब देता है, इंडिविजुअल्स दैट डिवोट, डिवोट कैसे नहीं आता ना, DEVOTE, दैट डिवोट लेस एनर्जी, इंडिविजुअल्स दैट डिवोट लेस एनर्जी टू मेंटेन that structure in comparison to those who maintain this more actively will be more reproductively successful, will be more reproductively successful समझ में आ रहा है? तो मैं कह रहा हूं वही, मैं देखो कितना ये इंटरेस्टिंग चीज है, मैं फिर से बता देता हूं, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, इंडिविजुअल्स दैट डिवोट लेस एनर्जी टू मेंटेन दैट स्ट्रक्चर, मतलब कौन सी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं आप, वेस्टिजियल ऑर्गन की, दैट स्ट्रक्चर इन कंपैरिजन टू दोज हु मेंटेन दिस मोर एक्टिवली will be more reproductively successful। जैसे अभी देखो, अभी मैं कह रहा हूं, अभी आप अभी के कॉन्टेक्स्ट में इसको रिलेट कीजिए आप ना, जैसे अभी कोरोना का पीरियड चल रहा है, अगर हम इसी कोरोना के पीरियड में अपनी सारी एनर्जी इसी सोच में लगा दें कि पता नहीं क्या होगा, कोरोना हो गया, कैसे करेंगे, क्या होगा, नहीं होगा, और हम उन चीजों में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, तो एक आपका दूसरा एक पार्ट है एनर्जी लगाने का, उधर आपने लगाया नहीं। तो जब आपका कंडीशन, हालात आपके सही हो जाएंगे, तो किसे मिलेगा फायदा बताओ, जिसने अपने एनर्जी को एक बेस्ट डायरेक्शन में यूज किया है ना। तो यही कहा जाता है देखो, कि आपके पास जो लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है उसे आप सही जगह यूटिलाइज करो, यही आपका रूल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी है। बिल्कुल सही बात है, डोंट डाइवर्ट योर ब्रेन इन डिफरेंट थिंग्स। समझ में आ रहा है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऑनलाइन कैसे करेंगे, ऑफलाइन कैसे करेंगे, हम इसी पे अगर डिस्कस करते रह गए। जैसे मैं देखता हूं कि एज पर माई रिकॉर्ड 12th क्लास में लगभग 100 से ज्यादा बच्चे हैं टोटल, बट मैं देखता हूँ जो आपका आज 73 बच्चे नजर आ रहे हैं मुझे, तो वो बच्चे जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोरोना हटेगा, हम फिर से पढ़ेंगे, वो अपना एनर्जी इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं एक्चुअली, और उनका फायदा नहीं होना, मैं बता देता हूं, वो रेस से बाहर निकल गए। जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे, जो घर पे बैठ के केवल ये सोच रहे हैं कि वीडियो देख लेंगे और ऑफलाइन जब होगा तो फिर से हम मिल्खा सिंह बन जाएंगे, दे आर ऑल गोन, आई एम टेलिंग यू,
उनका कुछ नहीं होना। फिर जिन्होंने अपना टाइम बर्बाद किया ये सोचकर कि कोरोना हटेगा तब पढ़ेंगे, कुछ नहीं हो सकता उनका। तो आप अपने दोस्तों को, अपने आसपास के दोस्तों को प्लीज इन्फॉर्म दैट मैसेज फ्रॉम माय साइड, इफ यू आर नॉट अटेंडिंग द क्लास ऑनलाइन दे आर वेनिसिंग देमसेल्व्स। समझ में आ गया? चलिए थोड़ा अब फिर से टॉपिक पे आते हैं। तो मुझे बताओ, अगर आपके बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन का अगर फेट क्या है इसका, देखो एक तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या है कि वेस्टिजियल ऑर्गन अगर ज्यादा आपके बॉडी में आ गया तो कहीं ना कहीं ये आपके एडेप्टेशंस को क्या करेगा बताओ, डिस्टर्ब करेगा। या देखो क्या होता है, कहते हैं ये फेट है किसका, वेस्टिजियल ऑर्गन का, कि इट मे इंटरफेयर योर एडेप्टिव कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड कहते हैं कि कुछ एनिमल में अगर ये वेस्टिजियल ऑर्गन किसी और चीज में डेवलप हो गया, कोई और पार्ट में डेवलप हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और ऐसा होता है कुछ एनिमल्स में जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं अगर आप देखेंगे तो किसी और ग्रुप में वो कुछ और बन गया, तो वो जो बाद में वापस क्या पता यूटिलाइज हो गया। समझ में आ रहा है? तो अगर पूछा जाए आपसे कि वेस्टिजियल ऑर्गन का अगर देखा जाए कि ये ऑर्गन अगर आपकी बॉडी में ज्यादा होगा तो इट मे इंटरफेयर विथ योर एडेप्टेशन। समझ में आ रहा है? तो जिन एनिमल्स में ये ऑर्गन बहुत ज्यादा डेवलप हो गया, ऐसे एनिमल पूरी तरह से एक्सटिंक्ट भी हो गया, चीजें खत्म होते 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 वापस वो खत्म ही हो गया। बिल्कुल देखो, गारंटी किसी चीज का भी नहीं है, गारंटी किसी चीज का नहीं है। हो सकता है कि जो चीज आपके बॉडी में वेस्टिजियल है वो किसी और ग्रुप में किसी और चीज में इवॉल्व हो गया। जैसे देखो बहुत बड़े एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ दैट, जैसे रेप्टाइल्स होता है, रेप्टाइल्स के जो लोअर जॉ थे, लोअर जॉ के जो बोन्स थे ये फंक्शन में नहीं था, क्योंकि ये एनिमल्स फूड को सॉलो कर रहे थे, लोअर जॉ के बोन्स फंक्शनल नहीं थे। लेकिन इसी लोअर जॉ के बोन्स मैमल्स में क्या हुआ, मिडिल ईयर के बोन्स में कन्वर्ट हो गया। और आप जानते हैं कि रेप्टाइल से ही मैमल इवॉल्व हुआ है और रेप्टाइल से ही बर्ड इवॉल्व हुआ है, तो वो जो रेप्टाइल्स का लोअर जॉ का बोन्स था यही तो एडेप्टेशन है। रेप्टाइल्स के जो लोअर जॉ के बोन्स थे ये मिडिल ईयर में मैमल्स में ये क्या बन गया, मैलियस इंटरसिस्टेप्स, और ये हेल्प किया हियरिंग एक्टिविटी में। समझ में आ रहा है? तो चूंकि आप जब जमीन पे आ गए, मैमल्स जब उसे सेंसरी ऑर्गन कहा जाता है, सेंसरी ऑर्गन मैमल्स में डेवलप हुआ है, तो रेप्टाइल्स में जो लोअर जॉ के बोन्स थे जो वेस्टिजियल थे ये मैमल्स में क्या हुआ बताओ, मैलियस इंकस और स्टेप्स में क्या हो गया, इवॉल्व हो गया। है ना, लिखो इस पॉइंट को, लिखे एग्जाम्पल लिख लो आप इसका, लिखे एग्जाम्पल। लिखो वेस्टिजियल बोन्स ऑफ लोअर जॉ ऑफ रेप्टाइल्स, वेस्टिजियल बोन्स ऑफ लोअर जॉ ऑफ रेप्टाइल्स इवॉल्व इंटू थ्री ईयर ऑसिकल, मिडिल ईयर ऑसिकल इवॉल्व इंटू थ्री मिडिल ईयर ऑसिकल इन द मैमल्स। तो मतलब ये है कि जो लोअर जॉ रेप्टाइल्स में वेस्टिजियल था ये आप में क्या हो गया बताओ, फंक्शनल हो गया। तो जो चीज, चूंकि हमारा ओरिजिन से लिंक है, मैमल्स और बर्ड दोनों रेप्टाइल्स के एंसेस्ट्री से लिंक्ड है, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल देखिए, लिख लो। ऐसा कहा जाता है
कि जो एनिमल केव एनिमल है, जैसे दिखा था कई सारे मतलब मे बी एग्जाम्पल जो बताया जाता, देखो जैसे जो केव एनिमल्स वगैरह होते हैं जो केव में रहते हैं, उन एनिमल्स में विजुअल एक्टिविटी तो ज्यादा होता नहीं है। जो एनिमल केव में रहते हैं उनमें विजुअल एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है, तो जो ऑप्टिकल न्यूरल पाथवे था, ऑप्टिकल न्यूरल पाथवे वो धीरे धीरे ऑल्फैक्टरी और टेक्टाइल ऑर्गन में क्या हो गया बताओ, डेवलप कर गया। और जिनमें ये डेवलप हो गया, एक चीज नहीं था दूसरी चीज डेवलप हो गया। तो ऐसे एनिमल्स का जो रिप्रोडक्टिव सक्सेस है, सिलेक्शन क्या होगा बताओ, इंप्रूव कर जाएगा। तो एग्जाम्पल लिखो, सेकेंड वाला लिखो, सेकेंड लिख लीजिए आप ऑप्टिकल, और लिखो ऑप्टिकल न्यूरल पाथवे, ऑप्टिकल न्यूरल पाथवे, ऑप्टिकल न्यूरल पाथवे इन द ब्लाइंड केव एनिमल्स, ऑप्टिकल न्यूरल पाथवे इन द ब्लाइंड केव एनिमल्स ब्लाइंड केव एनिमल्स डेवलप्ड इनटू Developed into olfactory and tactile function, olfactory and tactile function। जिस चीज का function नहीं हो रहा था वो चीज किसी और में क्या हो गया बता, develop हो गया। तो ऐसा भी होता है, यस यू आर राइट, लेकिन दूसरे फॉर्म में, वही चीज नहीं कर रहा है वो ना, किसी और फॉर्म में क्या हो गया बता, डेवलप हो गया वो। और ऐसा सब में नहीं होता, जिसमें ऐसा हुआ वो एनिमल नेचर में सेलेक्ट हो जाएगा, और जिसमें ऐसा नहीं हुआ वो एनिमल क्या बताओ, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो सारे वेस्टिजियल ऑर्गन दूसरे फंक्शन में इवॉल्व हो ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। जिन एनिमल्स में ये ऑर्गन एक यूजफुल फंक्शन इवॉल्व हो गया, ऐसे एनिमल का जो सिलेक्शन है, जो एडवांटेज है, वो क्या हो गया बताओ, वो इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आ गया? हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब इसके अलावा देखिए, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं आपके बॉडी में, जैसे जैसे आपके पास विजडम टीथ है, क्या है आपके पास, अकल वाली दांत है। देखो एग्जाम्पल में विजडम टीथ, सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, विजडम टीथ है, इवन कहते हैं जो आपका हेयर है, स्किन हेयर, रूडिमेंट्री जो हेयर्स वगैरह होते हैं, हेयर्स ऑन स्किन इन मैमल्स, इन ह्यूमन बींग्स अगर देखा जाए तो ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन ही है। इसके अलावा देखो जो आपका एक और स्ट्रक्चर है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके अलावा जानते हैं आप जो टेल बोन वगैरह होता है हमारा, ये अगर देखा जाए तो एप में एंड एप में एंड ह्यूमंस में, बंदर में टेल बोन डेवलप होता है, एप में और ह्यूमंस में टेल बोन अपीयर नहीं होता। अरे इसी मेम्ब्रेन को कहते हैं प्लाइका सेमिलरिस, इसको निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन को। और भी देखो जैसे इसके एग्जांपल्स और भी देख सकते हैं आप, अपेंडिक्स हो गया आपका, ये भी आपके लिए एक क्या बताओ, वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब देखो अगर अच्छी बताओ, अगर जो लोग वैक्सिंग कर लेते हैं, जिसने हेयर हटा दिया, क्या उनको वो कंबल ओढ़ के चलते हैं हमेशा क्या? हाँ जी, और कुछ लोग तो शौकिया वैक्सिंग कराते हैं, यहां से पता नहीं कहां कहां से। तो जो वैक्सिंग कराते हैं
उनके पास तो हेयर नहीं है, तो क्या वो कंबल ओढ़ के चलते हैं? हाँ, तो फिर तो हेयर भी हमारे लिए क्या बताओ, एक रुडिमेंटरी ऑर्गन है, ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन ही है। समझ में क्या? और देखो एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर, एक और एग्जांपल लिखो, रुडिमेंट्स ऑफ, लिखे रुडिमेंट्स ऑफ हाइंड लिम्ब बोन्स, रुडिमेंट्स ऑफ हाइंड लिम्ब बोन्स इन द व्हेल एंड स्नेक। हाइंड लिम्ब बोन्स का जो रुडिमेंट्स है वो व्हेल में और स्नेक में नजर आता है। अगर आप देखेंगे तो पाइथन में और व्हेल वगैरह में हाइंड लिम्ब का रुडिमेंट्री पार्ट्स आपको नजर आएगा। आपको पता है कि व्हेल में ऐसा कोई हाइंड लिम्ब तो है नहीं, है ना, और जो फोर लिम्ब है वो फ्लिपर बन जाता है, है ना। तो ये जो हाइंड लिम्ब का एक वेस्टीज है, रुडिमेंट है, ये अपीयर होता है स्नेक में भी और व्हेल में भी, लेकिन ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। लेकिन एक चीज का यहां से आपको एक लिंक मिलेगा कि मैंने क्या कहा कि ये एक कोई भी स्ट्रक्चर बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं होता। जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ वो बाद में खत्म हो गया, तो डेवलप तो हुआ होगा ना पहले कभी, तो जीरो से स्टार्ट हुआ होगा वो। तो व्हेल में और स्नेक में हाइंड लिंब के बोन्स का रुडिमेंट्री फॉर्म में मिलना ये क्या इंडिकेट करता है? इसका इंडिकेशन देखो क्या है, इट इंडिकेट्स दैट, देखो इट इंडिकेट्स दैट, इट इंडिकेट्स दैट early stages of limb development must occur in early stages of limb development must occur in limbless vertebrates. Limbless vertebrates कहते हैं। देखो मतलब vertebrates evolve कहां से हुआ, जिस vertebrate में limbs नहीं थे। और आपको पता है कि आपका ancestry link है protocordata से। देखो evolution क्या कहता है, देखो कितना interesting चीज है कि echinoderms जो था, इसका जो लार्वा था, यहां से हेनिकॉर्डेट का कुछ पार्ट डेवलप हुआ, हेनिकॉर्डेट से क्या डेवलप हुआ, प्रोटोकॉर्डेट्स, और फिर यहां से हम बात करते हैं किस, बताओ वर्टिब्रेट्स की। तो आपके एंसेस्ट्री में कहा जाता है वर्टिब्रेट्स इवॉल्व वहीं से हुआ है जहां लिम्स नहीं था, वो स्टार्ट हुआ जीरो से वहां पर, और बाद में कुछ जगह ये खत्म हो गया। तो खत्म होने का, खत्म तो हो गया लेकिन उसका रुडिमेंट्री स्ट्रक्चर आज भी वहां देख सकते हैं आप। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या इंडिकेट करता है कि वर्टिब्रेट इवॉल्व कहां से हुआ था, या जो जो कहते हैं लिम्ब्स का जो डेवलपमेंट हुआ वो आया होगा कहां, बताओ, जो लिम्बलेस वर्टिब्रेट्स थे या लिम्बलेस जो हमारा जो एंसेस्टर्स थे वहां से अपीयर हुए। तो ये एविडेंस बहुत बढ़िया है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये सब एक और चीज देखो, एक और यहां पे स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं ईयर मसल के बारे में। जो पिन्ना आपका होता है, ये पिन्ना जो आपका होता है, इस पिन्ना का ये पूरा पिन्ना वेस्टिजियल नहीं है, याद रखिएगा, पूरा पिन्ना वेस्टिजियल नहीं है, लेकिन इस पिन्ना का जो ईयर मसल होता है ये हमारे बॉडी में काम नहीं कर रहा। इवन देखिए मैमल्स में ही, यस मैमल्स में ही कई ऐसे मैमल्स हैं जिनमें ये मसल फंक्शनल है, लेकिन आप में ये मसल फंक्शनल नहीं है। मतलब एक ही ग्रुप में देखो, मैमल्स एज ए क्लास, इन द फ्यू एनिमल्स दैट पिन्ना दैट मसल इज फंक्शनल एंड फ्यू ऑफ द एनिमल्स दैट पिन्ना इज दैट मसल इज नॉन फंक्शनल। तो ये भी पॉसिबल है कि एक ही ग्रुप में कुछ ऑर्गन फंक्शनल है और कहीं पर नॉन फंक्शनल है। यस, एलिफेंट में ये फंक्शन होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
यू आर राइट। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन एंड दैट इज अ वेरी गुड यू नो अ काइंड ऑफ वेरी गुड एविडेंस टू रिलेट यू नो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर आप एक ट्री डेवलप करना चाहते हैं किससे कौन लिंक है तो वेस्टिजियल ऑर्गन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। याद रखिएगा ये आपकी पीएनटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि होमोलोगस ऑर्गन एंड वेस्टिजियल ऑर्गन ये काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन के एविडेंस के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पूछा जाए आपसे कि टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस इन द फेवर ऑफ इवोल्यूशन तो दो टर्म याद रखिएगा, एक है इसमें क्या बताओ होमोलोगस ऑर्गन और दूसरा है क्या बताओ वेस्टिजियल ऑर्गन।